हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं आप सभी लोगों के चहेता स्प्लेंडर प्लस बाइक के बारे में। आखिरकार इस बाइक की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है? सभी लोगों के मुंह से सुनो तो सिर्फ स्प्लेंडर प्लस बाइक का ही नाम आता है। तो चलिए जानते हैं इस बाइक का डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है। इस बाइक को बनाने के पीछे का रीज़न एक ही है, वो भी माइलेज। कंपनी दावा करती है कि यह बाइक 1 लीटर में 80 का माइलेज देती है, लेकिन औसतन हम बात करें तो ये 60 से 65 तक का माइलेज दे ही देती है। स्प्लेंडर प्लस बाइक का इंजन 100cc के अंदर आता है और इसी के वजह से इसमें काफ़ी अच्छा माइलेज निकल कर आता है। अगर हम 40 से 25 तक का स्पीड में अगर हम चलते हैं तो यह गाड़ी काफ़ी अच्छा माइलेज देती है, जो कि इतना का स्पीड हमारे RTO टैक्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहता है। और स्प्लेंडर प्लस काफ़ी अच्छे अच्छे वेरिएंट में अपनी बाइक निकाल रही है और अभी स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक भी निकल चुकी है, जिसका मांग काफ़ी ज़्यादा है और इसे हम ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट भी कर सकते हैं। और इस बाइक की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ये हर साल 2 से 3 लाख तक की बाइक बेच सकती है और इसी बाइक की वजह से बाकी बाइकों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहने लगी है और बाकी बाइकों की विक्रेता काफ़ी कम हो चुकी है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये लोएस्ट प्राइस में मिल जाती है और मिडिल क्लास के लोग भी इसे आसानी से खरीद सकते हैं और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और यह रोड में चलने में काफ़ी भी अच्छा है। और इसकी प्राइस की बात करें तो हमें 60 से 65 हज़ार रुपये में मिल ही जाएगी और इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी माइलेज में ये अच्छी दिखने वाली बाइक और कहीं भी नहीं मिल सकती। इसी के वजह से ही मिडिल क्लास लोगों का चहेता यह स्प्लेंडर प्लस बाइक काफ़ी अच्छा है। इसकी सीट की बात करें तो ये भी काफ़ी कंफर्टदायक है, जो कि अगर हम लंबे टूर में भी जाते हैं, लगभग 100 से 200 किलोमीटर की अगर हम टूर करते हैं तो ये उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। और इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी मिनिमम स्पीड 50 से 60 तक काफ़ी है और इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो ये 100 से 150 तक चल जाती है। सो गाइस, स्प्लेंडर प्लस बाइक आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।